बिल्ली ने खाई खीर। ये कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। जंगल के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। इसी जंगल के बीच में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। बंदर, चूहा, बिल्ली, बूढ़ी बकरी, लोमड़ी, कुत्ता, चींटी और खरगोश, सब दोस्त मिलकर रहते थे। एक दिन बहुत सुहाना मौसम था। तभी बिल्ली बोली, क्यों ना आज खीर बनाई जाए? हाँ, क्या बात कही, बहुत मजा आएगा। मैं चीनी लेकर आऊंगी। चूहे, तू क्या लाएगा? मैं माचिस लेकर आऊंगा। चीटी चिल्लाई, मैं लाऊंगी इलायची। मैं लाऊंगा लकड़ी। खरगोश झाड़ियों में कूदता हुआ मेवे लेने चला। इतने में लोमड़ी अपने घर से पतीला और कड़छी ले आई। मैं दूध ले आती हूँ, बंदर तू चावल ले आ। थोड़ी ही देर में सारा सामान इकट्ठा हो गया। बूढ़ी बकरी ने खीर बनानी शुरू की। सारे जानवर खीर के चारों ओर खड़े हो गए और खीर बनने का इंतजार करने लगे। खीर पकने लगी। उसकी खुशबू जंगल में चारों ओर फैलने लगी। इसमें तो इलायची भी है और मेवे भी, काजू, पिस्ता, किशमिश। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। खीर खाने से पहले सभी हाथ मुंह धोकर आते हैं। बकरी का कहा मानकर सभी नदी की ओर निकल पड़े। बिल्ली भी अनमनी सी जंगल की ओर निकल तो पड़ी, पर उसका मन तो हाँ खीर में ही था। उससे रहा नहीं गया और आधे ही रास्ते से वो दबे पांव वापस आ गई। पता नहीं क्यों चल गए, मुझे
देखते ही देखते बिल्ली सारी की सारी खीर चट कर गई। खीर खाकर पतीला पहले की तरह ही ढककर बिल्ली वापस जंगल की ओर चल दी। कुछ ही देर बाद सारे जानवर एक एक कर वापस आने लगे। चलो जल्दी चलो। बंदर, चूहा, चींटी, लोमड़ी, खरगोश, कुत्ता और बूढ़ी बकरी सभी वापस आ गए। पर किसी ने भी खीर का ढक्कन नहीं हटाया, क्योंकि वो बिल्ली के आने का इंतजार कर रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ देर बाद बिल्ली आई और बोली, बूढ़ी बकरी पतीले का ढक्कन उठाने को जैसे ही आगे गई, सारे जानवरों के मुंह में पानी आने लगा और वो सब खीर के और पास आ गए। चलो चलो, 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 चलो। पर जैसे ही बूढ़ी बकरी ने पतीले का ढक्कन हटाया, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे सारी खीर कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? पतीले में चावल का एक दाना तक नहीं था। सभी अचरज में पड़े थे। आखिर खीर खाई किसने? तभी बूढ़ी बकरी एक घड़ा लेकर आई और बोली, अब पता चल जाएगा कि खीर किसने खाई है। उस घड़े को एक रस्सी से कुएं के अंदर बांध दिया। अब सभी एक एक करके घड़े के अंदर जाएंगे और आंखें बंद करके कहेंगे, मैंने खीर खाई है तो डूब जा घड़े, जिसने खीर खाई है उसकी बारी पर घड़ा डूब जाए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सबसे पहले चूहा घड़े में गया और आंखें बंद करके बोला, मैंने खीर खाई है तो डूब जा घड़े। उसने आंखें खोली और देखा घड़ा तो डूबा ही नहीं और वो खुशी खुशी बाहर गया। चूहे ने नहीं खाई, चूहे ने नहीं खाई। फिर गया खरगोश और आंखें बंद करके बोला, मैंने खीर खाई है तो डूब जा घड़े। उसने आंखें खोली और देखा घड़ा तो डूबा ही नहीं, वो भी खुश होकर बाहर आ गया। खरगोश ने भी खीर खाई। खरगोश ने भी खीर खाई। हाँ, खरगोश ने भी नहीं खाई। फिर बंदर, चींटी, कुत्ता,
लोमड़ी और बकरी सभी घड़े के अंदर गए और खुशी खुशी वापस आ गए। अब सिर्फ बिल्ली बची थी। बिल्ली बहुत डर रही थी। वो डरते डरते खड़े के अंदर गई और बिल्ली को लगा जैसे वो कुएं के अंदर नीचे जा रही है। उसने बिना आंखें खोले ही कहा, क्या बिल्ली? जब बिल्ली ने आंखें खोली तब उसने देखा खड़ा तो वका वहीं था। बिल्ली को बाहर निकाला गया। आ, बिल्ली ने सारी खीर खाई थी। बिल्ली ने हमारे हिस्से की खीर भी खा ली। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। तो गलत बात है। हमारी खीर भी बिल्ली ही खा गई। और फिर उस शैतान बिल्ली को सबके लिए ढेर सारी खीर बनानी पड़ी और सबने मजे से खीर खाई। मजा आ गया। मजा आ रहा है। बिल्ली ने खाई खीर।